What's up? This is Jason. And guys, आज है संडे 8 अक्टूबर एंड आज की राइड एक स्पेशल कॉज से रिलेटेड है. सो आई एम जॉइनिंग द रैली विच इज ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ. एंड एक्चुअल में 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. सो उसी के लिए ये रैली ऑर्गेनाइज है. सेकेंडली, इन्हीं लोगों का एक बड़ा सेमिनार है नवंबर में, जो कि 2 नवंबर से 5 नवंबर में होने वाला है अशोका होटल दिल्ली में. सो आप लोग भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो आज का एजेंडा ऐसा है कि सबसे पहले मीटिंग पॉइंट जो है हमारा, दैट इज़ दी मूलचंद पेट्रोल पम्प. एंड 6:30 का टाइम था ऑलमोस्ट, अभी 6:30 हो चुके हैं. लुक एट द सन मैन, इट्स रेड, नॉट ब्राइट एट ऑल एंड परफेक्टली राउंड, अल्टीमेट. सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, वेकिंग अप अर्ली. You start enjoying the nature. And today's rally is also associated with Riders Planet because they are helping in organizing this rally. Along with that, guys, there are two groups, Biker Buddies and Boss. Both will be there, so you can expect a lot of bikes. Doom, doom. Cyclist on my left. Big bikes, big Harleys, VMAX. क्या ले जी? ठीक हो? क्या ले जी? हाय. अनी भाई, क्या हाल है तेरे? बहुत बढ़िया. सही है? फर्स्ट क्लास. So basically, this is the event. And you can spot the JS logo here. In the media section. There are a lot of them, man. Will be escorted by the traffic police. So guys, we got these stickers and we have to place them on our jackets. So this is the entire scene here. There's another lineup on this side adjoining the in and out. So the briefing for the ride has started and just have a look at this beautiful bike, the Ninja H2. Thank you.
डेफिनेटली। मस्ट बी वंडरिंग कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ से बाइक का क्या रिलेशन है। तो आप लोगों को बता दूं कि वी वॉन्ट टू प्रूव दैट हम लोग बाइक सिर्फ स्टंट करने के लिए नहीं चलाते या शो ऑफ करने के लिए नहीं चलाते, हम चलाते हैं बेसिकली हमारे लिए एक मेडिटेशन की तरह है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम स्ट्रेस रिलीज करते हैं बाइक चला के, एंड हमारे लिए बाइकिंग एक मेडिटेशन की तरह काम करती है। That is the message we want to pass in the society. So it's like that. With me is Arun Bhai, Arun Sikri on his VMAX. Okay, so सारे bikers पहुंच चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं ride पे starting में साथ में था, उसके बाद कहाँ गायब हो गया। So मेरे साथ एक tragedy हुई। पहले तो मैं wrong एक turn ले लिया मैंने, क्योंकि लेट निकला था वहाँ से रिकॉर्ड करके। फिर मैंने देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, मैं वहाँ रुक गया। हेलो जी, हाउ आर यू? सेम है मैन। सो गाइस, दिस इज़ द ब्रेकफास्ट सीन। एज यू नो, मैं लेट आया था, तो सबसे पहले तो मैंने पेट पूजा करी है। अब काम दूजा कर रहा हूँ, आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम हो गया है 9:16 एंड वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट। नाउ वी आर मूविंग डाउन स्टेयर्स एंड मे बी वील हैव स्मॉल फोटो सेशन देयर विद द बाइक्स। Flag off for today. Everybody is going back. It's already hot now. Rahul bhai on his beautiful Pusa. मैं रिकॉर्डिंग में बिजी था, मैंने यहाँ देखा मेरी बाइक चोरी हो रही है, कोई मेरी बाइक लेके जा रहा है। सो दैट्स बाय द वे हनी, एंड इसने मेरी पहले वाली बाइक ली थी जो बुलेट थी मेरे पास, क्लासिक 500, एंड ही राइड्स अ बेनेली। सो ही जस्ट वांटेड अ स्मॉल स्पिन हियर। पाजी एक बार आवाज सुनो। भाजी कैसा एक्सपीरियंस है?
बहुत बढ़िया जी, मजेदार है, मजेदार है, इसी को ले जाओ, मजा आ रहा है। बट भाई आप पे जच भी रही है, जच रही है, बिल्कुल जच रही है, तो नहीं लग रही, नहीं बिल्कुल छोटी नहीं लग रही, बाइक की हेल्थ ऐसी है और छोटी नहीं लगती, बिल्कुल 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 सही है, इसका अपना फन है अनडाउटली। So guys, the event was good. I hope you liked the video. ज़्यादा कुछ action मैं capture नहीं कर पाया, as I told you. Initially I was misleaded and गलत route ले लिया, and उसके बाद I saw a biker जिसका accident हुआ हुआ था, so I tried to help him. तो 10 मिनट 5 मिनट मेरे वहाँ लग गए. So उसके बाद मैं group को chase नहीं कर सका, so joined them at the venue, had fun. Now going back. So today at the breakfast, everybody was talking about that incident where my cousin was robbed on the gun. So सबके लिए ही काफ़ी shocking था, and everybody was sad about it, because और ऐसे ही काफ़ी सारे केस सुनने को मिल रहे हैं. So as I'm coming from a ride which was related to mental health, I must say, अगर आप में से किसी को भी depression का problem है या mental illness है, तो आप इसके बारे में खुल के अपनी फैमिली को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, बिकॉज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. जैसे बुखार होता है, तबीयत ख़राब होती है, इसी तरीके से मेंटल इलनेस है. आपको सर भारी लगता है, समझ नहीं आता कि क्या करूं लाइफ के साथ में, आप होपलेस हो जाते हो, और लगता है कहीं ना कहीं आपको कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है. तो काफ़ी लोग अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करने के, बट सच बात यह है कि वो डरते हैं इस टॉपिक पे किसी से बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग बोलेंगे कि पागल है, पागल हो गया है. सो वो मेंटेलिटी हमें चेंज करनी है, हमें इस टॉपिक पे बात करनी है. अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसा फील होता है डिप्रेशन से रिलेटेड, तो जिस तरीके से दूसरी बीमारियों के डॉक्टर हैं, इसके भी डॉक्टर हैं, तो आप इसका इलाज करा सकते हैं. कुछ दिन होते हैं लाइफ के जिसमें हम डाउन होते हैं, लो होते हैं, सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ. बट समटाइम्स कुछ लोगों के पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उनकी लाइफ की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सो दे गेट इन टू डिप्रेशन एंड सच थिंग्स. आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी. एंड गाइज, अगर समझ आई है तो टेक इट सीरियसली, डू समथिंग विद योर लाइफ, लाइफ इज़ गुड. इसी नोट पे क्लोजिंग डाउन दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ. Signing off, Jason. Bye-bye.